नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट की तरफ से जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पटियाला की विधायक व पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई। इस मौके पर राकेश भारती मित्तल ने कहा कि उनकी संस्था ने करीब 1100 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए परनीत कौर ने कहा कि ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। राजनीतिक पक्ष में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पवन दीवान व उनकी टीम ने पटियाला उपचुनाव में शानदार काम किया है। समारोह में ट्रस्ट की तरफ से सामाजिक क्षेत्र में शानदार काम करने वाली 3 हस्तियों को सतपाल मित्तल नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेहरू सिद्धांत केंद्र दे जिहड़ा ट्रस्ट है, इन्हां दे फादर और जोगिंदर पाल पांडे जी ने जो बनाया है, उहदा जिहड़ा फंक्शन हैगा एंड सेलीब्रेटिंग 125 ईयर्स ऑफ जवाहर लाल नेहरू जीज बर्थडे, इस दे लई मैनू बुलाया इत्थे। और इह नॉन पोलिटिकल हैगा, देश दी सेवा दा काम हैगा। और मेरे ख्याल च जो यह जे ट्रस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही ने, ये बिना साडा जिहड़ा ढांचा, साडा से जिहड़ा बुनियाद भरी जा रही है फ्यूचर इंडिया दे लई, ये बहुत जरूरी है। उस लई इंटर कॉलेज डिबेट इस साल जिहड़ी हुई है, मैनूं ये दसदिआं बड़ी खुशी हुंदी है कि 15 टीमां ने पार्टिसिपेट किया, जिहड़ियां मैक्सीमम नंबर अज तक होया हैगा वै। पर मैनूं ज़्यादा इस गल की खुशी है कि जिहड़े 30 पार्टीसीपेंट सीगे डिबेट दे विच, उन्हां चों 27 जिहड़ी सी उह लड़की हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैनूं इस गल की बड़ी खुशी है। और लगभग 110 बच्चियां नूं जिहड़े गर्ल्स कॉलेज हैगे है, साडा फोकस है कि एजुकेशन दे उत्ते और गर्ल चाइल्ड दे उत्ते जिहड़ा हैगा फोकस बनिया रहे, ताकि असीं वध चढ़ के उन्हां नूं इस एक स्ट्रोंग प्लेटफॉर्म दे सकीए।